एक और बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां 8 नवंबर को बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक होगी। गुजरात चुनाव में जाने वाले नेताओं की सभा पर भी चर्चा होनी है। नेताओं के विवादित बयानों पर कोर कमेटी में गाइडलाइंस भी तय की जाएंगी। इसके अलावा मंत्रियों विधायकों को अनुशासन का पालन करना होगा। तो नेताओं को लेकर ये बैठक होने वाली है, कोर कमेटी की बैठक, जिसमें गाइडलाइन जारी की जाएगी। मंत्रियों को विधायकों को कैसे जनता के बीच में जाकर अनुशासन का पालन करना है, इस पर चर्चा होगी। 8 नवंबर को बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। कुलभूषण लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। कुलभूषण, एजेंडा क्या है बैठक का? अपना सवाल दोबारा दोहराइए वरना। कुलभूषण, ये जो बड़ी बैठक होने वाली है, इसका एजेंडा क्या है? क्योंकि बताया जा रहा है कि नेताओं को बताया जाएगा कैसे जनता के बीच में संवाद करना है, गाइडलाइंस जारी होंगी। देखिए, अगर बात की जाए तो कांग्रेस अलग अलग बैठक आयोजित करती नजर आ रही है। अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष निवास भोपाल पहुंचे थे, वहीं अब महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भोपाल पहुंचेंगी। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो नेता डिसूजा, जो कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो महिला पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। महिला कांग्रेस की अगर हम बात करें तो मध्यप्रदेश की आधी आबादी पर जो है महिलाओं और कांग्रेस की नजर रहेगी, क्योंकि सरकार से महंगाई और यहाँ बिल्कुल कुलभूषण, कांग्रेस तो तैयारी कर ही रही है, लेकिन बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक भी जो होने वाली है, उस पर भी जरा जानकारी दीजिए। कोर कमेटी की अगर हम बैठक की बात करते हैं तो यहाँ पर बैठकों का जो सिलसिला है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में, वो लगातार जारी है। कोर कमेटी की बैठक भी आयोजित की गई है। अभी फिलहाल प्रशिक्षण वर्ग 2 दिवसीय चल रहा है। अब इसके बाद जो है बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, हितानंद शर्मा सहित जो कोर कमेटी के सदस्य हैं वो इस बैठक में आयोजित होंगे। तो यहाँ पर 2023 की जो रणनीति अब दोनों ही पार्टी मुख्य रूप से बनाती हुई नजर आ रही है, बैठकों में रणनीति बनाई जा रही है और इसके बाद जमीनी स्तर पर जो है पार्टियां उतरना शुरू करेंगी।